गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग चित्रांश में आप सभी का स्वागत है। मैं गया था लॉकडाउन के पहले मथुरा, जो कि वहाँ यमुना नदी, क्या नज़ारा था। पानी भी गिर रहा था, शाम के 6 बजे थे, तो वहाँ का कुछ दृश्य मैं आपको कुछ फोटो और वीडियो के द्वारा दिखाने वाला हूँ, मतलब कुछ प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो आप ध्यान से देखिएगा और आनंद लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो चलो लेके चलते हैं आपको यमुना नदी के तट। अगर आप नहीं जानते यमुना नदी के बारे में तो मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यमुना नदी उत्तर भारत की नदी है और इसका स्थान गंगा नदी के बराबर का है, और यहीं से वासुदेव ने श्री कृष्ण को टोकरी में लेकर मथुरा से वृंदावन गए थे। श्री कृष्ण का तो यमुना नदी से बचपन से गहरा रिश्ता है, उन्होंने यहीं बंसी बजाना और अनेक क्रीड़ाएँ यहाँ की है। और साथ ही अगर आप नहीं जानते तो यहीं से, यहीं यमुना नदी के तट से महाराज कंस का किला दिखता है, ये देखिए फोटो में आप। और मैं बता दूं कि दोस्तों, यमुना नदियों की राधा रानी, बरसाने की राधा रानी, श्री कृष्ण की यहीं की अनेक क्रीड़ाएँ आपको सुनने को मिलेंगी। और इस घाट को केसी घाट के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसे कई प्रसिद्ध स्थान यमुना नदी के तट पर है, जैसे कि आगरा का ताजमहल, वहाँ आप जाओ, अगर नहीं गए होंगे तो जाकर जरूर ध्यान दीजिएगा कि वहाँ आगरा तट में है। और राजघाट, दिल्ली का राजघाट, महात्मा गांधी की समाधि भी वहीं राजघाट तट के किनारे पर ही है। अब कुछ वीडियो देखिए। अरे आराम से खींचो, हमारे कैसले भैया व्हाट्सएप कर दी, ठीक है। यार हमें पता चला हमारा भी आइलैंड है, आइलैंड आइलैंड बेड़े, कितना बड़ा आइलैंड है बेड़े, यहाँ अंग्रेज भी है। सर इसी को दिखाते हैं यहाँ से, यही है कंस का महल। यहाँ पे कंस रहता था सर, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जन्म हुए या भगवान पैदा हुए वो कंस का कारागार था। इंग्लैंड चला रहे अच्छा है। आप सभी को यह यमुना नदी कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।